देख रहे हैं द एसडी न्यूज और मैं हूं नंदन कुमार निराला। मेरे साथ हैं एक रिटायर्ड नेवी जिनका नाम है संजय सिंह, जो लगातार 19 वर्षों से बसपा की कार्यरत है। बसपा ने भरोसा जताकर मधुपुर विधानसभा से उन्हें मैदान में उतारा है। चलिए सीधे बात करते हैं संजय सिंह से। संजय जी है। जी, सबसे पहले मैं एचडी न्यूज को प्रणाम करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं संजय कुमार सिंह, भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त हूं। 31 जुलाई 2001 को मैंने भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त किया और 7 दिसंबर 2001 को बहुजन समाज पार्टी की अस्थाई सदस्यता ग्रहण की यह संकल्प लेते हुए यह बहुजन समाज पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। मुझे भविष्य में इस प्लेटफॉर्म के अलावा किसी अन्य पार्टियों पर राजनीति नहीं करनी है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में भारत की राजनीति, भारत के साहित्य, भारत के धार्मिक संस्थान, भारत के एनजीओ, भारत के जीओ और विभिन्न संस्थान दलित, शोषित, पीड़ित और अशिक्षितों की बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से मैं यह देख रहा हूं कि काम अस्थायी रूप से नहीं हो पा रहा है। सिस्टम के आधार पर होना चाहिए और इनके उत्थान की बात होनी चाहिए, लेकिन ये सारे संस्थान दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और यथावत आज़ादी के 70 साल बाद भी मैं अगर समझूं, आप भी इसको समझ सकते हैं कि आज भी भारत के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कुत्ते के साथ पूरी का हिस्सा ढूंढते हुए नंगे बदन बालक और बालिकाएं मौजूद हैं। क्या इसी भारत का सपना हमने देखा था? मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत लोग आश्चर्यचकित हैं कि एक सैनिक भारत की राजनीति में किस प्रकार, तो मैं एक बात कहूँगा कि बेशक राजनीति गंदी है, कीचड़ भरी है, धूल धूफरित है, भाई भतीजावाद है, आतंकवाद है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर दलितों, पीड़ितों और शिक्षितों के लिए अस्थायी रूप से काम हो, किसानों के लिए अस्थायी रूप से काम हो, सहिया और पारा शिक्षकों की मूलभूत सुविधा का ध्यान रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति का विभिन्न पहलू भी चमकदार साबित हो सकता है। और बसपा से पहली बार आप उम्मीदवार के रूप में मधुपुर विधानसभा के लिए आए हैं, तो कौन सी नई नई योजनाएं लेकर चल रहे हैं कि मधुपुर में अगर आप विधायक बनते हैं, जनता जनार्दन का आपको सहयोग मिलता है, तो फिर कौन सी नई योजनाएं होगी मधुपुर विधानसभा के लिए? देखिए, मधुपुर विधानसभा के लिए मेरी जो अपनी समझ है, मूल रूप से जो अभी आहत हैं उनमें सबसे पहले पारा शिक्षक और सहिया, ये दोनों के लिए कुछ न कुछ बड़ी योजना मैं लाने का काम करूँगा, उनकी मरमाहत को दूर करने का काम करूँगा, उनके चेहरे पर हंसी लाने का काम करूँगा। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और किसानों के लिए एक बेहतर कार्य हो, उसी वजह से केवल मेरा विधानसभा मधुपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है। कृषक आत्महत्या करने को आतुर हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सारे उद्योग एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां देखकर बड़ी पीड़ा होती है। सर, मधुपुर विधानसभा से राज परिवार से आप तो मधुपुर विधानसभा गए होंगे, लगातार दौरा किए होंगे, उनका मतलब कार्य क्षेत्र कैसा रहा, क्या अनुभव किए उनके कार्य क्षेत्र में जाकर कि उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? कहूँ कि मधुपुर विधानसभा में राजनीति के दिग्गज नेता हाजी साहब और राज साहब, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, लेकिन जब मैं विधानसभा में दौरा लगाने का काम किया, विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न पंचायत का, विभिन्न प्रखंड का, मधुपुर विधानसभा में यथावत मैं तो मरमाहत हुआ ही, साथ ही साथ जो हमारे साथ लोग थे, कई लोग ऐसे थे जो पहली बार मधुपुर विधानसभा में आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चर्चा तो बड़ी हो रही थी लेकिन 3-3 बार 2-2 बार मंत्री रहे, कार्य इनकी धरातल पर दिखती नहीं है और लोग इनको देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक नए विकल्प की तलाश मधुपुर विधानसभा की जनता ढूंढ रही है। मैं समझता हूं कि एक सैनिक प्रत्याशी के रूप में
मेरा पदार्पण बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैं सर्वप्रथम APJ अब्दुल कलाम के उन वक्तव्यों को सार्थक करना चाहूँगा जहाँ उन्होंने कहा था, हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है, मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, गुणवान हो, धनवान हो, यह प्रेरणा का भाव मूल्य है। इस धरती से ऊपर या नीचे जहाँ भी रहूँगा दीप जलाए रखूँगा जिससे मेरा देश महान हो। आप कितना स्वस्थ हैं? देखिए, मैं पहले की बात करता हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुस्लिम समाज का एक प्रत्याशी आया था और उन्होंने 28,000 वोट लाने का काम किया, लेकिन चूंकि सर वो तो कोई और थे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि बसपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है अपनी जीत को लेकर? मेरी जीत 100% सुनिश्चित है, इसलिए कि मैं जिस बहुजन समाज पार्टी के रूप में उपस्थित हुआ हूं और मेरी जो अपनी सर्व समाज में जो कार्य करने की योजना और विचारधारा और युवा साथी से जो मेरा संपर्क है, तो मैं सर्व समाज के युवा साथियों का, सर्व समाज के अभिभावकों का और सर्व समाज के माताओं बहनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी मधुपुर विधानसभा से जीत हासिल करेगी। जी धन्यवाद। ये थे बसपा नेता संजय सिंह, जिन्हें मधुपुर विधानसभा से मैदान में उतारा गया है और ये जीत के लिए काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि किसी भी चुनाव में जनता जनार्दन होती है। किसी भी नेता की भाग्य की रेखा बनाना और बिगाड़ना जनता के हाथ में होती है। तो 16 दिसंबर को मतदान है। द SD न्यूज़ अपने दर्शकों से आग्रह करती है कि आप 16 दिसंबर को निकलें और पहले करें मतदान, फिर लें जलपान। मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ मैं नंदन कुमार निराला, द SD न्यूज़।